जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सवायजपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव का भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने सबसे पहले बरौली के पंचायत घर में स्थापित बाढ़ शरणाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शरणाले में रुके हुए बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि भोजन आदि की व्यवस्था समय से हो रही है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी एक भैंस गांव में रह गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल भैंस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उन्होंने पंचायत सचिव को निर्देशित किया कि प्रभावित लोगों की स्पष्ट सूची बनाई जाए। सूची के अनुसार लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि बीमार पशुओं का तत्काल इलाज किया जाए। सभी प्रभावित ग्रामों में पशुपालन विभाग की टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गांव में बीमार व्यक्तियों का तत्काल इलाज किया जाए। बरौली ग्राम के बाढ़ शरणाले को देखने के उपरांत जिलाधिकारी मानिमोह ग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामवासियों से बात की। उन्होंने कहा कि अपनी जान को जोखिम में न डालें, पानी में पैदल यात्रा न करें, आवागमन के लिए नाव या मोटरबोट का प्रयोग करें। ग्राम प्रधान, लेखपाल, सचिव व कोटेदार लगातार प्रभावित ग्रामों में रहे। मानिमोह के बाद जिलाधिकारी ने ग्राम सठियामोह की बाढ़ को देखा। उन्होंने उप जिलाधिकारी सवायजपुर को निर्देशित किया कि प्रत्येक गांव में नाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, आवश्यकतानुसार मोटर बोट की व्यवस्था की जाए। उन्होंने तरौरा ग्राम की ओर से आने वाले ग्रामीणों से तरौरा व रौरा ग्राम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उप जिलाधिकारी को उन्होंने तत्काल मोटर बोट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी व तहसील सवायजपुर के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सांदी विकास खंड के विभिन्न ग्रामों में बाढ़ की स्थिति देखने के बाद जिलाधिकारी सदर तहसील के पुरोरी ग्राम में बाढ़ प्रभावितों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था को देखा। प्रधान व सचिव द्वारा जानकारी दी गई, भोजन पकाने के बाद प्रत्येक प्रभावित परिवार तक पहुंचा दिया गया है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी ने उपस्थित ग्रामीणों से भी की। बीमार लोगों व उनके पशुओं के लिए दवा वितरण का कार्य देखा। पुरोरी से हरदोई आते समय सड़क के किनारे जिलाधिकारी ने एक बीमार गाय को देखा। उनके निर्देश पर पशुपालन विभाग की टीम तत्काल गाय को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। जिलाधिकारी ने बताया कि शाहबाद के क्षेत्र में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अब जलप्रवाह सवायजपुर की ओर तेजी से हो रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। प्रत्येक गांव में मेडिकल व पशुपालन विभाग की टीमें लगाई गई हैं। बाढ़ कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है। से कितना इलाका प्रभावित है और कितने स्कूल वगैरह बंद किए गए हैं और कितने जो सभी स्टेशन हैं उनकी विद्युत सप्लाई जो है वो बाधित हो गई है बाढ़ की वजह से, और लोगों को राहत बचाव के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। और जनपद हरदोई में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हमारे चार तहसीलें प्रभावित हुई हैं, शाहबाद, सवाईपुर, बिलग्राम और हरदोई। इन चारों तहसीलों में कुल 117 गांव प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें हमारे 56 गांव ऐसे हैं जहां आबादी भी बस्ती है। कुल लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और इन सब गांवों में रहने वाले लोग, जो 56 गांव हैं जहां आबादी भी है, हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनके घरों के गेट पर पानी है या जिनके घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सबको हम लोग इवैक्यूएट करा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। इन सभी गांवों के लिए हम लोगों ने 46 गांव में कुल बाढ़ राहत केंद्र बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ हमारे रेनू विलेज ऐसे थे जहां हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था बाढ़ राहत केंद्र, वहां भी जलस्तर नज़दीक होने के नाते या वहां प्रवेश कर जाने के कारण वहां हम लोगों ने नहीं बनाया। तो 46 बाढ़ राहत केंद्रों पर हम लोग लगातार जिन जिन घरों में पानी गया हुआ है उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था, उनकी चिकित्सीय सुविधा और उनके पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था भी कराए हुए हैं। कुल मिलाकर प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को परेशानी न हो और उनके परिवार को हम लोग सुरक्षित रख सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोगों की मदद से और हमारी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उसमें कोई भी व्यक्ति अभी तक हताहत नहीं हुआ है या किसी की मृत्यु नहीं हुई है या कोई लापता नहीं हुआ है या कोई डूबा हुआ नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। और लगातार हम और हमारी टीम स्थानीय लोगों के संपर्क में है और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को हम दोनों टाइम खाना खिला सकें, उनके चिकित्सीय व्यवस्था करा सकें और उनके पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था भी करा सकें। अभी कितने स्कूल जो बंद किए गए? इन सभी गांवों में कुल मिलाकर 83 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पानी है या आसपास पानी लग गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं, इस वजह से हमने ऐसे प्राथमिक और प्रशिक्षित विद्यालयों को बंद करा दिया है। और 23 गांव हमारे ऐसे हैं जिनमें जहां का संपर्क मार्ग भी कट गया है, जहां पानी जलभराव की वजह से लोगों का आना जाना ठप है। और इन सभी गांवों में जो भी हमारे 56 गांव हैं, इन सभी गांवों में हमने मोटर बोट लगवा दी है। मोटर बोट भी है, SDRF भी है, हमारी फ्लड PAC भी है, हमारी लगातार टीमें रन कर रही हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जिन जिन गाँव के किनारे या गाँव के अंदर पानी है
वे सभी लोग अपने घरों में या बाढ़ राहत केंद्रों में सुरक्षित रहें और आवागमन नाव के माध्यम से ही करें, पैदल या पानी के अंदर प्रवेश न करने का प्रयास करें।